प्रसवपूर्व देखभाल के लिए मैजिक मोबाइल। यह नर्स मैरी है। मैरी एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर क्लिनिक डायरेक्टर है। यह माया है। इन्हें अभी अभी पता चला है कि वह पहली बार गर्भवती हुई हैं। मुबारक हो माया। बदकिस्मती से माया अपने नज़दीकी स्वास्थ्य प्रदाता मैरी के क्लिनिक से बहुत दूर रहती हैं। वह इससे पहले क्लिनिक पर कभी नहीं आई थी। यह ललिता है। ललिता माया के गांव में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। ललिता माया के गांव में जाती है और माया की गर्भावस्था को रजिस्टर करने के लिए क्लिनिक को एक टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए मैजिक मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। ललिता शिक्षा प्रदान करती हैं और माया को प्रोत्साहित करती हैं कि वह दूरी के बावजूद क्लिनिक पर जाएं। मैजिक मोबाइल से पहले ललिता अपने गांव में सभी कार्य गर्भवती महिलाओं पर निगाह रखने के लिए कागजी अभिलेखों का इस्तेमाल किया करती थी। इन कागजी अभिलेखों को निपटाने में बहुत सारा वक्त लगता था और ये अभिलेख क्लिनिक पर एक महीने की देरी से पहुँचते थे। अब मेरी का क्लिनिक माया के गाँव में गर्भवती महिलाओं पर निगाह रखने के लिए मैजिक मोबाइल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। मेरी ललिता की तरफ से भेजा रजिस्ट्रेशन देखती हैं। मैजिक मोबाइल स्वचालित टेक्स्ट मैसेज भेजता है और ललिता को याद दिलाता है कि माया को उनकी प्रसवपूर्व देखभाल के लिए कब क्लिनिक पर आने की ज़रूरत है। ललिता माया को उनकी नियमित विजिट की याद दिलाने के लिए क्लिनिक से टेक्स्ट मैसेज प्राप्त करती हैं। यदि उसे कोई खतरे के संकेत दिखाई देते हैं तो वह भी क्लिनिक को मैसेज भेजती है। इससे माया महसूस करती है कि उसकी भी अहमियत है और उसकी परवाह की जाती है। इन विजिट में क्लिनिक की नर्सें सुनिश्चित करती हैं कि माया सुरक्षित प्रसव के सही रास्ते पर आगे बढ़ें। इसके बाद ललिता माया से मिलकर चेक करती हैं और रिपोर्ट भेजती हैं कि उनकी विजिट पूरी कर ली। जब समय आता है तब माया प्रसव के लिए क्लिनिक जाती हैं। नर्स मेरी माया को क्लिनिक पर बच्चे को जन्म देता देखकर बहुत खुश होती हैं। वो देखती हैं कि कई औरतें घर पर अनावश्यक तकलीफें उठाती हैं। वह शुक्रगुजार हैं कि ललिता समुदाय में क्लिनिक की पहुंच का विस्तार करती हैं और मेडिक मोबाइल उनको आपस में जोड़े रखता है।